चुके हैं रेडी, अभी निकलते हैं। तो गाइस ये अपन लोग का हंटर्स, हम लोग जाने वाले थे 4 बजे, 4 बजे निकलने वाला आदमी अभी 5:30। और ये है अपना कॉलेज। रियल भोले बाबार भक्त, हेलमेटे मध्य भोले बाबा। बोरपथार गाइस, ये वही वाला बोरपथार है जो रिसेंटली लवलीना बोरगोहाई, आप लोग को अगर पता नहीं हो तो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, वही वाला बोरपथार है। हम लोग का घर से नेक्स्ट टू मैक्स 1/2 आवर। तो यही है, इधर से अगर राइट जाओगे तो लवलीना बोरगोहाई का घर मिलता है। हाँ महीना है भाई, देखो अपना सामने फॉग 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 होके रखा है। ये आ गए हैं हम लोग हाईवे, इधर से अगर लेफ्ट जाओगे तो डीमापुर नागालैंड। चाय, सुबह वाला चाय। ओए चा खामो, ओए चा खामो, चा खामो। ओके गाइस, तो चाय भी पी लिया, अभी और क्या बाकी रह गया। ये जो आप लोग देख रहे हैं इतना जंगल जंगल एरिया, ये है नामपुर हबी, जो कि लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। जैसे ये नामपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के बाद हम लोग को मिल जाएगा काजीरंगा, जो कि नेशनल पार्क है।
ही नजारा था, काजीरंगा 35। पूरी सब्जी ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में था पूरी सब्जी एंड चटनी। चटनी भाई गजब था, मतलब स्वाद ही आ गया। अभी हम लोग ऑलमोस्ट काजीरंगा एरिया में घुस चुके हैं। स्पीड लिमिट 40 यहाँ। तो गाइस यहाँ पे काजीरंगा एरिया में अगर स्पीड लिमिट आपका 40 ना हो तो फिर तो 5000 का फाइन हो मेरा तो। पहुँचेगा कोहड़ा। कोहड़ा कोहड़ा एक्चुअली सेंट्रल रेंज है काजीरंगा का। वहीं पे आप लोग का ऑफलाइन अगर टिकट्स करना हो जीप सफारी वगैरह का तो वहीं पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर कोई भी इशू हो जैसे कि साउंड क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी तो काइंडली कमेंट करके बता देना। मोटिवेशन की तो जस्ट शुरू किया है, आगे तो आते रहेगा। वैसे मेरा पहले गेमिंग चैनल था बट अभी छोटा बड़ा हो गया, तो गेमिंग छोड़ने का इरादा किया। वैसे खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत बट उतना टाइम नहीं देता था। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम पॉल दास है। और आपको तो पता लग ही चुका होगा कि हम मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ और पहले भी मैंने बताया हुआ है। आसाम में बहुत कुछ है गाइस घूमने के लिए। असम में आने से तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम। आप असम में आओगे बाहर से तो पूरा नॉर्थ ईस्ट है। आप मेघालय में बहुत कुछ है, मेघालय शिलोंग चेरापूंजी है, अरुणाचल है तवांग जीरो और भी कुछ कुछ है मैं। ओके गाइस, तो ये है काजीरंगा का जंगल फॉरेस्ट एरिया। हर तरफ कैमरास, स्पीडोमीटर्स भी लगाया हुआ है, नोटिस बोर्ड साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है, बैरिकेड्स लगाया हुआ है जहाँ पे लिखा है कि स्पीड लिमिट 40 या फिर फाइन 5000 का फाइन। काफ़ी सही स्टेप दिया था, आई अप्रिशिएट। रहना चाहिए भाई, वन मोर राइनोस। देखिए भाई, इन लोग को नहीं फॉलो करना है, इन लोग को ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करना है। ये लोग नो कमेंट्स क्या ही बोल सकते हैं। ओके, सो ये है बूढ़ी माई मंदिर। यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा देर, उसके बाद निकलते हैं आगे। ओके चलते हैं, देखते हैं।
एक सा वाइब्स आ रहा है वहाँ पे, रास्ता है मेन हाईवे, उसके साथ ही मंदिर, इतना बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा गाछ, पेड़। Oh my God. सही है, तो यहाँ पे पूजा देना हो गया, पूजा का बाकी था। यस, तो पूजा भी हो गया, और क्या बाकी है नहीं मालूम। मानसून के टाइम में शायद आप लोग को न्यूज़ मिलता होगा कि असम में फ्लड होता है, बहुत लोग बेघर हो जाता है, तो यही सब घर होता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं राइट पे पानी, अभी तो कम है, लो है, पर जब फ्लड होता है ना, ये रास्ता इतना तक रास्ता रहता ही नहीं है, तब इतना तक फ्लड रहता है। ये रास्ता क्लोज रहता है जब फ्लड हो गया, ये रास्ता क्लोज, तो सोचिए ये नेशनल हाईवे है जो कि मतलब लोअर असम यानी कि गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है, यही रास्ता है, और बाकी रेलवे है, तो कितना प्रॉब्लम्स होता होगा, कितना प्रॉब्लम फेस करता होगा। लैंडस्लाइड एरिया ये सोचो, ये राइट सब जो पत्थर गिरा हुआ है ये सब लैंडस्लाइड में ही गिरा हुआ है। ये देखो, ये तो रिसेंट गिरा हुआ है गाइस, बहुत रिस्क है यहाँ पे। ये देखो मिट्टी पूरा ताज़ा मिट्टी लगा, सोचो इतना बड़ा बड़ा पत्थर अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या ही होगा। ये देखो गाइस, पूरा दलदल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पे दिखाई देते थे हम लोग, बट ये हम लोग का इंडिया है, हम लोग का आसाम है, काजीरंगा। उसे ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट है बहुत रिस्की। ओ भाई बंदर, ओए होए क्या ही नजारा भाई साहब। ओ भाई क्लाउड्स गाइस, आप लोग कैमरा पे आ रहा है क्या, नहीं मालूम, बट भाई वो जो पेड़ है यहाँ पे, जो पेड़ है इधर से क्या ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से तो उतना नहीं, बट पीछे और भी अच्छा लग रहा था पीछे से, तो वहीं पे रुकना था, कोई बात नहीं।